हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पल्सर N160 जो नई लॉन्च हुई है उसी के बारे में आज पूरी वीडियो रहेगी। तो अगर आप भी 160 सीसी सेगमेंट में बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए फ्रेंड्स, और बिना स्किप किए देखिए। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। आज पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्या आपको ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी रह सकती है, क्या ये आपको बाइक ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसी के लिए सारी वीडियो रहेगी। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे जो फ्रंट में फ्रंट का लुक आप खुद ही देख सकते हैं कितना तगड़ा लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 160 सीसी सेगमेंट में कंपनी द्वारा नई लॉन्च हुई है। तो लुक का वाइज इसको काफ़ी अच्छा एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे देने की पूरी कोशिश की गई है। तो आप लुक देख सकते हैं, इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्रंट में, जो कि फोकस इसका काफ़ी सही है। और वहीं बल्ब वाले इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट फेंडर की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट फेंडर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ABS के यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, डुअल चैनल ABS यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और टायर साइज की बात करें तो 180/17 का यहाँ पे टायर साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहीं रियर टायर की बात करें तो यहाँ पे 130/70/17 का यहाँ पे रियर टायर देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर दोनों देखने को मिलते हैं। चैन केस की बात करें तो यहाँ पे हाफ चैन केस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि स्पोर्टी बाइक है तो हाफ चैन केस ही देखने को मिलेगा। वहीं टायर हगर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 150 में टायर हगर देखने को नहीं मिलता है। और इसके सीट की बात करें तो स्प्लिट सीट में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। N160 का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लोगो देखने को मिल जाता है, स्प्लिट सीट वाले ग्रैब रेल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बैक लुक की बात करें तो बैक का लुक आप खुद ही देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। LED टेल लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बल्ब वाले इंडिकेटर बैक में भी देखने को मिल जाते हैं। इधर की बात करें तो यहाँ पे जो सेम 150 में जो साइलेंसर लगा हुआ है जिस टाइप से, वहीं 160 में भी उसी टाइप से यहाँ पे लगा हुआ है। सेफ्टी पॉइंट की बात करें तो डुअल चैनल ABS के साथ ये हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी पॉइंट के साथ ये देखने को मिलती है 160 सीसी सेगमेंट में। अदर बाइक जो इसके कंपटीशन में हैं उसमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर का यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। वहीं इसके मीटर की बात करें तो यहाँ पर आप इसका मीटर खुद ही देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्पीड वगैरह, गियर, टाइम, ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। न्यूट्रल का यहाँ पे इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लो बीम, हाई बीम का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हॉर्न का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसको अगर मैं स्टार्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे इसका आप साउंड खुद ही सुन सकते हैं, और इसका फ्रंट का लुक भी आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं इसको लो बीम और हाई बीम पे करके दिखाऊं तो जब वो स्टार्ट होगी तो होगी फ्रेंड्स। और बाकी इसका फ्रंट का लुक आप खुद ही देख सकते हैं। और इसको अगर मैं साउंड सुनाऊं तो एग्जॉस्ट का साउंड आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्जॉस्ट का साउंड देखने को मिलता है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसका सुनने में एग्जॉस्ट का साउंड। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मैंने बताई दिया, 14 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे USB पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर मोबाइल वगैरह चार्जिंग करते हैं तो। वहीं बैली पेन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बट एक स्पोर्टी बाइक है तो इतना तो चलता ही है। और अदर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे 164.4 cc का यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है। और इसके पावर और टॉर्क की बात करें तो 15 BHP की पावर 8500 RPM पर और 14 Nm का टॉर्क 6500 RPM पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बैली पेन की बात करें तो यहाँ पे बैली पेन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर इसमें भी देखने को मिलता है। सब में फ्रंट साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर यहाँ पे अब देखने को मिल जाता है। वहीं इसके और वहीं ये FI इसमें देखने को मिलता है, FI के साथ ये बाइक हमें देखने को मिल जाती है फ्यूल इंजेक्टर। वहीं इसके माइलेज की बात करें तो 40 से 45 तक का माइलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
अगर आप सही से राइडिंग वगैरह करते हैं तो नॉर्मल तो 45 तक का ही 40 तक का ही देखने को मिलेगा। 45 तो अब अगर आप बहुत अच्छे से राइडिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फ्रंट में क्योंकि टेलीस्कोपिक लगा हुआ है, और रियर में बात करूँ तो रियर में यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक यहाँ पे पूरा देखने की कोशिश की गई है कंपनी के द्वारा, क्योंकि एक नई बाइक लॉन्च करी है 160 cc में, तो एक बेटर लुक के साथ लॉन्च करनी ही पड़ेगी क्योंकि मार्केट में नाम भी बनाना है। नई बाइक आई है तो नेम फेम वगैरह भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे अगर टैंक में पल्सर का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है 3D में, यहाँ पे भी डेकाल वगैरह कलर कॉम्बिनेशन आप खुद ही देख सकते हैं रेड और वाइट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक देखने में। यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन वगैरह दिया गया है, तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं 150 के मुकाबले अगर इसमें देखा जाए तो। यहाँ पे लुक वाइज देखा जाए 150 और 160 में, तो मैं आपको दोनों का लुक दिखा देता हूँ, 150 में कैसा लुक है और 160 में कैसा है। तो ये तो रही 160 का लुक जो मैंने आपके साथ पूरा शेयर कर दिया, और ये रहा 150 का। तो इसमें भी आप कलर वेरिएंट देख सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आ रही है। दोनों की डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारी और भी टेक्निकल से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो आ रही हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वेट की बात करें तो यहाँ पे 152 किलोग्राम इसका वेट है, इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और वहीं इसके प्राइस की बात करें ऑन रोड प्राइस की और एक्स शोरूम प्राइस की, तो 1,23,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,60,000 में यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गोपाल बजाज शोरूम पे, तो आप यहाँ पे अगर रुद्रपुर लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे आके ज़रूर देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये बाइक ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी एक कम कीमत में एक सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से अगर डुअल चैनल ABS वाली बाइक अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो ज़रूर से इसको आप अपने लिस्ट में कंसिडर करिए। अगर आप एक बार ज़रूर आइए शोरूम पे और देखिए, चेकआउट वगैरह करिए, विज़िट करिए, सारी चीज़ें पूछिए, पसंद आए तो लीजिए, अदरवाइज़ और भी ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं। बट 160 cc सेगमेंट में डुअल चैनल ABS इसी में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बाकी 2V वाला है। और वहीं अगर अपाची की बात करें 4V वाले मॉडल की, उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा, इसमें डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही है। और टायर साइज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं फ्रेंड्स, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।